नाचना ऐ हसीनो जो मैं आ गया ये बचना बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। मैं हूं निगार खान और आज लेकर आई हूं बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर की लव स्टोरीज। अब इनकी लव स्टोरी सुनाना बड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि रणबीर खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किसे कब डेट पर बुलाएं। इसी वजह से नौबत यहां तक आ गई कि एक टेलीविजन शो पर इनकी दो एक्स गर्लफ्रेंड्स ने इनका बैंड बजा दिया था। इफ यू वर पिन डाउन टू गिव एडवाइस टू द फॉलोइंग पीपल व्हाट वुड यू से टू रणबीर कपूर एंड आल्सो कंडोम ब्रांड। ओह माय गॉड दैट्स अ गुड वन। यू बिलीव दैट यू कम आउट ऑफ इट मच हैप्पियर। मच हैप्पियर। आई थिंक लाइक शी सेड आई थिंक ही इज अ ग्रेट पर्सन। I think he's a wonderful friend to have. I think he needs to work on his boyfriend skills a bit. I mean, Ranbir is a great friend, but I don't know if he's a great boyfriend, honestly speaking. Yeah. She did a great job hanging on to him for so long because he's... Thank you! दीपिका और सोनम का यह इंटरव्यू दिसंबर 2010 का है, जब दीपिका और सोनम करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर एक साथ पहुंची तो सबको लगा कि इन दोनों हीरोइनों के बीच कुछ कैटफाइट देखने को मिलेगी, पर यहां तो कुछ और ही हो गया। दीपिका और सोनम ने रणबीर कपूर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों रणबीर पर अटैक करने के लिए ही इस शो में आई है। Rank in order of sex appeal. Ranbir, Imran, Saif, Hrithik, John. John? I must say, John's quite the sex winner. Hrithik's on this as well, yes. Right? So, John, Hrithik, Imran, Saif, Ranbir. You find Ranbir not sexy? I don't think he finds himself sexy. Ranbir, Imran, Abhishek, Hrithik, John. John is one, Imran second, third is Abhishek, fourth is Hrithik, fifth is Ranbir. Ranbir is a great actor, but sex appeal. Zero on sex. No, appeal. I mean you had no choice in the matter. Jab se dekhne na ho na apne se ho tak gaya usme. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से रणबीर से ये इतनी खफा थी? इसकी वजह थी इनके साथ रणबीर की लव स्टोरी जो खत्म हो चुकी थी। जो दीपिका और सोनम रणबीर पर निशाना साध रही हैं, उन्होंने कभी रणबीर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। जब से तेरे नैनां मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। साल 2007 में रणबीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में कदम रखा। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। इस फिल्म में रणबीर की हीरोइन थी सोनम कपूर और सोनम की भी ये पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर और सोनम के अफेयर के खूब चर्चे हुए। हालांकि न तो रणबीर और न ही सोनम ने कभी इस बात को कबूल किया। सोनम के साथ रणबीर की छोटी सी लव स्टोरी खत्म हो चुकी थी और इसके बाद रणबीर की जिंदगी में एंट्री हुई उस हसीना की
जिससे रणबीर ने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार किया। ये हसीना थी खूबसूरत दीपिका पडुकोण। खास बात ये थी कि दीपिका की पहली फिल्म ओम शांति ओम भी उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन रणबीर की सावरिया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। और अब आ रही है द स्टार ऑफ द इवनिंग द ड्रीमी गर्ल हरसेल्फ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। साल 2008 में इन दोनों ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया जिसमें इन दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बात की। हमारा अफेयर तब शुरू हुआ जब हम अपनी पहली फिल्म सावरिया और ओम शांति ओम की शूटिंग कर रहे थे। हमने एक दूसरे के बारे में बस सुना था। हमारे मेकअप आर्टिस्ट एक ही थे, भारत और डोरिस। डोरिस को हम दोनों अच्छे लगते थे और उसने मुझे कहा कि रणबीर बहुत अच्छा लड़का है और हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। एक बार जब मैं डोरिस के साथ थी तो उसने रणबीर को बुलाया। उसने कहा तुम लोग बात क्यों नहीं करते। तब हमने पहली बार बात की और एक दूसरे के नंबर्स लिए। कुछ दिन बाद रणबीर ने मुझे लंच पर चलने को कहा। वो आया, उसने मुझे पिक किया और हम लंच के लिए ग्रैंड हयात गए। हमने वो पूरा दिन एक साथ बिताया। हम सिर्फ लंच के लिए ही गए थे पर लंच के बाद कॉफी पी, कॉफी के बाद केक खाया और केक के बाद फिल्म देखी। हमने जुहू के पीवीआर सिनेमा में मिस्टर बीन्स हॉलीडे देखी। और ये यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर रणबीर ने मुझे घर छोड़ दिया। Really? Observation powers काफी अच्छी है। I'm impressed. मेरी observation power से? No, तुम्हारी speed से। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। इसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर 2008 में इन दोनों ने एक ही फिल्म में एक साथ काम की। फिल्म का नाम था सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के खुदा जाने मैं मिट गया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर दीपिका का प्यार परवान चढ़ा। रणबीर और दीपिका ने पीपल्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये बात खुद दुनिया को बताई। किसने किसका पीछा किया? जाहिर है मैंने इनका पीछा किया। मैं इस मामले में परंपरागत सोच वाला हूँ। मुझे लगता है लड़के को ही लड़की के पीछे जाना चाहिए। अगर रणबीर में मेरी दिलचस्पी होती तो भी मैं पहल नहीं करती। ये सब सिडनी से शुरू हुआ। हमने बचना है हसीनों की शूटिंग के दौरान सिडनी में एक महीना साथ बिताया। वहां से वापस आने के बाद हमने एक विज्ञापन में एक साथ काम करते हुए साथ वक्त बिताया। धीरे धीरे हम और ज्यादा मिलने लगे, घूमने जाने लगे, डिनर और कॉफी के लिए जाने लगे। इन्होंने एक काम और किया, ये मुझे लेने के लिए कर्जत आए। मैं वहां अक्षय के साथ चांदनी चौक टू चाइना का एक गाना शूट कर रही थी और ये कुछ दिन के लिए फ्री थे। ये खुद ड्राइव करके मुझे लेने करजत आए और हमने वो शाम साथ बिताई। मैं सब लड़कियों जैसे नहीं हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, तुम कूल हो, इंडिपेंडेंट हो, पर घूम फिर के ना तुम वही आ जाओगी शादी के मंडप पे, आंखों में दो दो बच्चों के सपने और पूरे घर का कलर स्कीम लिए हुए। रणबीर और दीपिका का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। जून 2008 में आईफा अवार्ड्स के लिए बैंकॉक पहुंचे रणबीर और दीपिका ने एयरपोर्ट पर एक दूसरे को गले लगाकर किस कर लिया और जमाने के सामने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का ऐलान कर दिया।
इसके बाद इनके रिश्ते के बारे में हर किसी को पता चल गया। हर जगह इनके अफेयर की बातें होने लगी। रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि क्यों वो खुद पर काबू नहीं रख पाए थे और उन्होंने क्यों सबके सामने दीपिका को गले लगाया। मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पर दीपिका से मिला। हमारी मुलाकात एक महीने के बाद हुई थी। मैंने बस उसे गले लगाया और किस किया। मुझे ये पता नहीं चला कि आसपास कैमरे हैं। मुझे पता है तुम क्या कहोगी, कि तुम्हें भी मुझे उतना ही प्यार है जितना मुझे तुमसे। कहोगी कि मैंने तुम्हें बदल दिया। अगर मैं ये सब कहूंगी तो तुम क्या कहोगे? रणबीर और दीपिका अब खुद भी हर जगह खुलकर अपने रिश्ते की बात करने लगे। दीपिका, ड्रीम मैन की बॉडी किसकी होगी? रणबीर। दीपिका रणबीर के परिवार के साथ नजर आने लगी। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कपूर परिवार के साथ दीपिका के डिनर की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। एक फैशन शो में दीपिका रणबीर की मम्मी नीतू सिंह के साथ बैठी थी और रैंप पर कैटवॉक कर रहे रणबीर ने दीपिका को अपनी मम्मी के सामने ही फ्लाइंग किस भी दी थी। यानी ये दोनों अब अपनी मोहब्बत को जमाने से छिपाना नहीं चाहते थे। ये खबरें भी आईं कि कुछ साल बाद दीपिका और रणबीर शादी कर लेंगे। दीपिका ने तो शायद ये तय कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी रणबीर के साथ ही बिताएंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम के शुरुआती अक्षरों आर और के यानी आर के नाम का परमानेंट टैटू बनवाया। How committed? अब कोई किसी के नाम का परमानेंट टैटू तभी बनवाता है जब उसके साथ जिंदगी बिताने का इरादा हो। दीपिका का तो यही इरादा था, लेकिन 2008 के खत्म होते होते हमारे रॉकस्टार रणबीर के दिल में कब कोई और हसीना बस गई पता ही नहीं चला। रणबीर और कटरीना ने जैसे ही फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग शुरू की, कटरीना के साथ रणबीर की नई प्रेम कहानी शुरू होने की खबरें भी आने लगी। कटरीना और रणबीर के अफेयर के किस्से अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। जाहिर है ये खबरें दीपिका के कानों तक भी पहुंची और कुछ ही टाइम बाद आ गई रणबीर और दीपिका के ब्रेकअप की खबर। I'm sorry. शायद मैंने तुम्हें रॉन्ग इंप्रेशन दिया। I don't understand. गायत्री, मैं तुमसे शादी के बारे में बात कर रहा हूं और तुम? राज, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूं मैं शादी नहीं करना चाहती। पर तुमने सोचा वो सब बातें थी। मैं सीधी बात करती हूँ राज, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। दोनों में से किसी ने ब्रेकअप की वजह का खुलासा नहीं किया, पर यही माना जाता है कि इनका ब्रेकअप रणबीर और कटरीना की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही हुआ। मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों अनजाने
सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले तुमसे न जाने क्यों। रणबीर और दीपिका ने जिस तरह खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार किया, उस तरह अपने ब्रेकअप की वजह का सरेआम कभी खुलासा नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप कटरीना कैफ की वजह से हुआ। वहीं ये खबरें आईं कि रणबीर की मम्मी नीतू से दीपिका को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों को अलग होना पड़ा। मगर फिर सितंबर 2010 में वर्व मैगजीन में छपे दीपिका के एक इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया और इसके बाद तो सारे जमाने को इनके ब्रेकअप की वजह पता चल ही गई। दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया। इस इंटरव्यू में दीपिका ने अपना गुस्सा कुछ इस तरह निकाला। जब भी मैं किसी रिलेशनशिप में रही, मैंने धोखा नहीं दिया। अगर मुझे किसी को बेवकूफी बनाना है तो फिर मैं उसके साथ किसी रिश्ते में क्यों रहूंगी। अच्छा है कि सिंगल रहकर मजे किए जाए। शायद इसीलिए मुझे चोट पहुंची थी। पहली बार जब उसने मुझे धोखा दिया तो मुझे लगा कि हमारे रिश्ते में या मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन अगर धोखा देने की आदत ही बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत उसी में है। कितना टाइम अकेले बिताऊंगा तो पूरा फायदा नहीं उठाऊंगा। वो यार, वो तो लव शव करने लगी है। उसने तो मुझे सहरे में भी देख लिया है। तुम लोगों को तो पता है मेरे साथ ऐसा कितना होता है। पहले प्यार, फिर किस, फिर। दीपिका यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक नहीं बल्कि दो दो बार रंगे हाथों किसी लड़की के साथ पकड़ा। मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने तब भी उसे दूसरा मौका दे दिया क्योंकि उसने मुझसे ये गुजारिश की। मेरे आसपास मौजूद हर कोई कह रहा था कि ये अब भी तुम्हें धोखा दे रहा है, पर इसके बावजूद मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। फिर मैंने उसे खुद रंगे हाथ पकड़ा। मुझे ब्रेकअप से उबरने में वक्त लगा, लेकिन इसके बाद अब मैं कभी उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इस इंटरव्यू में दीपिका ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि इशारा रणबीर की तरफ ही था, क्योंकि रणबीर से ब्रेकअप होने के बाद ही उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन फिर खबरें आईं कि दीपिका ने सफाई दी है कि उन्होंने रणबीर को धोखेबाज नहीं कहा। मगर फिर एबीपी न्यूज को दिए बयान में दीपिका ने यह बात साफ कर दी कि उन्होंने ऐसी कोई सफाई दी ही नहीं। छुपे हुए टोन में कहती है, जब आप मैगजीन में इंटरव्यू देती है तो कहती है उसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। कब से ये लोग झगड़ रहे हैं? धोनी, मैं अभी भी किसी का नाम नहीं। पर हकीकत तो ये है, क्योंकि आप बड़ी ऑनेस्ट है, रिश्ते में ऑनेस्ट रहना चाहती है, ऑनेस्ट लड़का चाहिए, तो उतनी ही ऑनेस्टी से मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आपने किसी का नाम लिया है तो ये हकीकत आपके साथ हुई है। जी बिल्कुल, यू एक्चुअली कॉट रेड हैंडेड। ऑफ कोर्स, इसलिए मैंने तो ये इंटरव्यू दी। इस बयान के एक महीने बाद यानी दिसंबर 2010 में दीपिका सोनम कपूर के साथ करण जौहर के इस शो कॉफी विद करण पर पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार खुलकर टेलीविजन पर रणबीर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। If you were pinned down to give advice to the following people, what would you say to Ranbir Kapoor? Endorse a condom brand. Oh my God, that's a good one. करण ने यहाँ दीपिका से जब ये पूछा कि अगर किसी दिन वो रणबीर कपूर बनकर उठें, तो वो क्या करेंगी, तो दीपिका ने कहा कि वो वापस सोने चली जाएंगी। If you woke up one morning and turned into Ranbir Kapoor, what would you do? Go back to sleep. You would what? Go back to sleep. सोनम ने भी यहाँ रणबीर के बारे में काफी उल्टी सीधे बातें कहीं। I mean, Ranbir is a great friend, but I don't know if he's a great boyfriend, honestly speaking. Yeah. He's a really, really nice guy, and he's got great family values. He loves his mom and his parents. He's really respectful. I've known Ranbir all my life, and
As a boyfriend, I don't know. I mean, she did a great job hanging on to him for so long because he's... Thank you. He's... A piece of advice you'd want to give to the following people. Okay, Ranbir Kapoor. Get a stylist. Okay. इस इंटरव्यू के बाद रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर काफी भड़क गए और उन्होंने एक अखबार को दिए बयान में कह दिया कि ये रणबीर के बारे में ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन्हें रणबीर नहीं मिले। दीपिका और सोनम का रणबीर के बारे में ऐसा बोलना उनकी क्लास बताता है। मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि हमेशा दूसरों पर ना हंसे और सुलझे हुए इंसान की तरह बर्ताव करें। वो शो में अपने काम की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनके पिता मशहूर इंसान हैं। मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने साथियों के बारे में इस तरह बातें ना करें। इस इंटरव्यू के बाद ऋषि कपूर करण जौहर से भी काफी नाराज हुए थे। हालांकि काफी हंगामा होने के बाद दीपिका ने एबीपी न्यूज से कहा था कि उन्होंने ये सब कुछ मजाक में कहा था। जो भी हम लोगों ने शो पे कहा है, इट्स ऑल मेंट इन गुड ह्यूमर, इट्स नॉट सेड टू हर्ट एनीबॉडी इंटेंशनली और टू हर्ट एनीबॉडीज सेंटीमेंट्स। हालांकि इसके कुछ वक्त बाद अक्टूबर 2011 में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने भी माना कि उन्होंने अपनी एक गर्लफ्रेंड को धोखा दिया था। हालांकि रणबीर ने भी ये नहीं बताया कि ये धोखा उन्होंने अपनी किस गर्लफ्रेंड को दिया था। क्या आपने किसी रिश्ते में धोखा दिया है? हाँ दिया है, ना समझी और काम अनुभव की वजह से। आपको इसका एहसास अब होता है जब आपको समझ आता है और आपको इसकी अहमियत पता चलती है। एक रिलेशनशिप में क्यों रहा जाए, रिश्ते में समर्पित क्यों रहा जाए जब आप इसके लिए समर्पित नहीं हो सकते। मुझे अब इसका एहसास हो गया है, इसलिए मैं अब जल्दी किसी के साथ रिश्ते में नहीं बनना चाहता। क्योंकि जब तक आपका किसी के साथ वैसा लगाव ना हो, जब तक किसी के साथ खास रिश्ता ना हो, जब तक कोई ऐसा ना मिले जिसके लिए समर्पित हुआ जा सके, कोई ऐसा ना मिले जिस पर आप विश्वास कर सकें, आप जिसका सम्मान कर सकें, तब तक रिश्ते में बंधने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात और है, मैं तो किलर हूं, मुझे ये प्यार 3 बार मिला। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दीपिका ने रणबीर पर तो निशाना साधा ही, कटरीना को भी नहीं छोड़ा। दीपिका ने कहा था कि वो कटरीना का पासपोर्ट देखना चाहती है। Can I ask her for something? Yeah. Can I see your passport? आखिर दीपिका कटरीना का पासपोर्ट क्यों देखना चाहती थी? ऐसा क्या था कटरीना के पासपोर्ट में? कुछ लोगों का कहना है कि दीपिका कटरीना की उम्र का पता करना चाहती थी, लेकिन शायद असली वजह कुछ और ही है। पासपोर्ट का यह पूरा पंगा भी हमारे प्यारे रॉकस्टार की वजह से ही हो रहा था। मुंबई में अंग्रेजी अखबार मिडडे में यह खबर छपी कि दीपिका कटरीना का पासपोर्ट इसलिए देखना चाहती हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि क्या कटरीना रणबीर से मिलने अमेरिका गई थी जब वो वहां फिल्म अनजाना अनजानी की शूटिंग कर रहे थे। दीपिका की बात का जवाब देते हुए कटरीना ने भी ये कह दिया कि उन्हें नहीं मालूम था कि दीपिका के सवाल का क्या मतलब है और वो दीपिका को अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हैं। Can I ask her for something? Yeah. Can I see your passport? Katrina, Deepika आपका पासपोर्ट देखना चाहती हैं। क्या कहें, क्या खास है आपके पासपोर्ट में? I think the best person to answer this question would be, I think Deepika. She knows why she said it. I honestly have no idea. And everyone is welcome to see my passport. There's no secret in it. So I honestly don't understand that statement. Maybe you guys can help me with that. अब कौन किसका पासपोर्ट देखने जाता? ये तो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के बहाने थे। हाय, प्यार क्या ना कराए। खैर, पासपोर्ट पर हुए इस हंगामे के बाद रणबीर और दीपिका ने काफी वक्त तक एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, दोनों के पास वक्त जो नहीं था।
दीपिका पादुकोण मिस्टर सिद्धार्थ माल्या के साथ बिजी हो गई थी और रणबीर और कटरीना का अफेयर भी खूब जोर शोर से चल रहा था। इस बहाने हमारी दोस्ती तो हो गई। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। तुम प्रॉब्लम में हो? मैं जीसस जी जेनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। जेनी, तुम यहाँ? मैं, तुम? क्यों प्रेम, जेनी के हार्ट में फिक्स कर दिया ना तेरा फोटो परमानेंटली। दो हजार दस में इन दोनों ने प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में काम किया। मैंने तुम्हारे वोट के लिए लंच ऑर्गेनाइज किया है। तुम थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? तुम्हारे साथ? नहीं, इस वेटर के साथ। देखो, मूड मत खराब करो। आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ तुमसे। इस दौरान इनके अफेयर की खबरें हर अखबार, हर मैगजीन में छप रही थी। रणबीर और कटरीना की चोरी छिपे होने वाली मुलाकातें कैमरे में कैद होने लगी। एक वेबसाइट ने इन दोनों को एक होटल में डिनर करते हुए अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिल्म राजनीति के प्रमोशन के दौरान भी इन दोनों में एक अलग ही केमिस्ट्री दिखी। कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्ती करते दिखे, कहीं एक दूसरे के कार्टून बनाते दिखे, तो कभी एक दूसरे की खिंचाई करते। एक तड़का दाल थी तो कटरीना को लगा नहीं कि दाल थी, ठंडी हो गई थी, एक पेस्ट ऐसा हो गया था और पीली थी, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस येलो सॉस। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? किसका? गाड़ी चलाने का या तुम्हें किस करने का? पागल हो तुम, योर मैन। वो तो हूँ, मैड अबाउट यू। इन दोनों की ये केमिस्ट्री देखकर लगने लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। कटरीना उस वक्त सलमान की गर्लफ्रेंड थी और कहने वाले कहते हैं कि रणबीर की वजह से ही सलमान और कटरीना का ब्रेकअप हो गया। सल्लू, किसने बुलाया मुझे? आपके दोस्त ने। दोस्त? जरा चेहरा तो देखो दोस्त का। ये दोबड़े का डिजाइन तो पहली बार देखा हूँ। रणबीर और कटरीना ने कभी खुलकर अपने अफेयर की बात नहीं मानी और शायद इसकी बड़ी वजह सलमान भी थे। अगली बार घर आऊंगा ना बिरयानी खाने। अबे घर तो क्या, तो कभी रास्ते में भी दिखाई दिया ना तो चेहरे का डिजाइन बदल दूंगा। अपनी दोस्त को मुझसे नहीं मिलाएगा? जेनी, सलमान खान। अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। इन दोनों ने अपने रिश्ते को भले ही न कबूला हो पर इनके छिपकर मिलने की खबरें लगातार छपती रहीं। ये खबर भी आई कि इन दोनों ने सबकी नजरों से दूर लंदन में कुछ वक्त साथ गुजारा। इधर दीपिका की जिंदगी में भी सिद्धार्थ माल्या आ गए। दोनों हर जगह एक साथ नजर आने लगे। यानी दीपिका और रणबीर ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को भूलकर अपनी जिंदगी में खुश थे। यही नहीं, रणबीर और कटरीना की तो शादी की खबरें तक आने लगी थी। कटरीना ने यह बयान भी दिया था कि वो 2012 में शादी कर लेंगी। I think now we're still 2010, so I have two more years. Let's see what happens in 2 years. I'll let you know. I'll keep you posted.
if I do get married in 2012, you're definitely all invited, so I'll let you know. खबरें तो यहां तक भी छपी कि रणबीर कटरीना को अपने मम्मी पापा से भी मिलवा चुके हैं और उन्होंने भी इन दोनों के रिश्ते को रजामंदी दे दी है। How sweet! मम्मी पापा को भी लड़की पसंद आ गई थी। लगने लगा था कि 2012 में कटरीना और रणबीर की शादी हो ही जाएगी, लेकिन फिर जिस तरह पहले शादी की खबर आने के बाद दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो गया, ठीक उसी तरह यहां भी हुआ। शादी की खबरें आना शुरू हुई ही थी कि कटरीना से भी हो गया रणबीर का ब्रेकअप। कहते हैं जिस तरह दीपिका का ब्रेकअप रणबीर से कटरीना की वजह से हुआ, ठीक उसी तरह कटरीना और रणबीर का भी ब्रेकअप हुआ फिल्म रॉकस्टार की हीरोइन नरगिस फाकरी की वजह से। वीर, हाय, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान नरगिस फाखरी से रणबीर की नजदीकियों की खबरें छपने लगी। ये खबरें भी आईं कि रणबीर ने नरगिस को अपने मम्मी पापा से मिलवा दिया है और इसी वजह से कटरीना और रणबीर के बीच जमकर लड़ाई हुई और आखिरकार इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। मजाक? नहीं नहीं, मैं I hate you. ये खबरें भी आईं कि कटरीना रणबीर से शादी करना चाहती थी पर रणबीर अभी इसके लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से दोनों अलग हो गए। तो तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? ये बात तो साफ हो गई थी कि रणबीर और कटरीना की राहें अब अलग अलग हो चुकी है, यानी दीपिका और कटरीना दोनों ही रणबीर की जिंदगी का एक क्लोज चैप्टर हो गई थी। और तभी फिर आया इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट। रणबीर तो कहते रहे बचना ऐ हसीनो, लेकिन इस वार्निंग का शायद कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकअप होने के बावजूद दीपिका और कटरीना दोनों लौट आई रणबीर की जिंदगी में। दीपिका और रणबीर को इस साल करण जौहर ने अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी में साइन किया, यानी इन दोनों पुराने प्रेमियों को दोबारा एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। एक बार फिर से इन दोनों की नजदीकियों की खबरें आने लगी। दीपिका के रणबीर के साथ फिल्म साइन करने के बाद उनके और सिद्धार्थ के अलग होने की खबरें भी आईं। जो सिद्धार्थ हर जगह दीपिका के साथ साथ नजर आते थे वो अब दीपिका के साथ नहीं दिखते थे। सिद्धार्थ की बजाय दीपिका का झुकाव दोबारा रणबीर की तरफ होने लगा था। रणबीर ने जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो दीपिका वहां सबसे पहले पहुंचने वाले मेहमानों में से थीं। फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट के मुताबिक 25 मई को करण जौहर की बर्थडे पार्टी में रणबीर और दीपिका एक साथ गए, लेकिन ये दोनों मेन गेट से नहीं बल्कि एक अलग रास्ते से पार्टी में पहुंचे। ऐसा लगने लगा था कि रणबीर और दीपिका फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि कुछ ऐसा होता रणबीर और कटरीना की फिर से नजदीकियों की खबरें सुर्खियां बनने लगी। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई कि रणबीर कटरीना को
अपने पुश्तैनी घर में ले गए, यानी रणबीर और कटरीना दोबारा से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हाल ही में 13 सितंबर 2012 को देर रात रणबीर को कटरीना के घर से निकलते हुए देखा गया। कटरीना के घर से निकलते हुए रणबीर की तस्वीरें अंग्रेजी अखबार मेल टुडे में छपी। अखबार में छपी खबरों के मुताबिक रणबीर कटरीना के बैंड्रा वाले घर से गुरुवार देर रात 1:15 बजे निकले और अपनी कार में बैठकर चले गए। तो कंफ्यूज हो गई, आखिर रणबीर कपूर चाहते क्या हैं? एक तरफ एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ कटरीना के साथ घूम रहे हैं। इसी बीच एंजेला जॉन्स और इलियाना डिसूजा के साथ नजदीकियों की खबरें भी आईं। आखिर किसके साथ जाकर इस रॉकस्टार की लव स्टोरी पूरी होगी? शायद इस सवाल का जवाब रणबीर कपूर के पास भी नहीं, हम तो बस इंतजार करेंगे। फिलहाल इस लव स्टोरी में बस इतना ही, एक और दिलचस्प लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत।